वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतजार हुसैन मथरुमा। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कनोटेशन और डेनोटेशन, यानी कनोटेशन और डेनोटेशन में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो, इसमें ग्रामर से रिलेटेड और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोज जो हैं वो अपलोड होती रहती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको वीडियोस ग्रामर से रिलेटेड मिलती रहें या इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कनोटेशन और डेनोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास होता है वर्ड डेनोटेशन, डेनोटेशन वर्ड का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग, यानी एक्चुअल मीनिंग, यानी कोई भी वर्ड जो मीनिंग पोर्ट्रे कर रहा होता है, जो दिखा रहा होता है, जो हमें जैसे ही वो वर्ड हमारे माइंड में आता है तो जो एग्जैक्टली उसकी मीनिंग हमारे माइंड में आते हैं, रियल मीनिंग, उसको हम कहते हैं कि वो डेनोटेशन मीनिंग है, डेनोटेशन। और जो कनोटेशन है, कनोटेशन का मतलब होता है कॉन्टेक्स्टुअल मीनिंग, यानी वो मीनिंग जो वो किसी कॉन्टेक्स्ट में दे रहा होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो मीनिंग जो कोई वर्ड सजेस्ट कर रहा होता है, जो वो उसके एग्जैक्टली मीनिंग नहीं होते बल्कि वो सजेस्ट कर रहा होता है, उसकी सजेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपको एग्जांपल से ये बात ज़्यादा वाजे हो जाएगी। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके वर्ड पास है वर्ड होम। होम जो वर्ड है वो डेफिनेटली एक ऐसी प्लेस के लिए यूज होता है जिसमें हम रहते हैं, यानी घर, ऐसी जगह जो रहने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो वर्ड होम है, इसका जो ये मीनिंग है कि अ प्लेस टू लिव इन, ये इसके डिक्शनरी मीनिंग है। इसको कहते हैं कि ये डेनोटेशन है, यानी होम के लिए अगर वो प्लेस के लिए यूज़ हो रहा है जहाँ पे हम रहते हैं तो वो उसके डिक्शनरी मीनिंग है, इसको हम कहते हैं डेनोटेशन। और इसी वर्ड होम के कनोटेशन यानी कंटेक्चुअल मीनिंग भी हो सकते हैं। वो कंटेक्चुअल मीनिंग क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जो होम है उसके कंटेक्सुअल मीनिंग ये हो सकते हैं कि होम जो है वो सजेस्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट आउट करता है या इशारा करता है लव की तरफ। होम मीन एक ऐसी जगह जहाँ से आपको लव मिलता है, मोहब्बत मिलती है, या प्रोटेक्शन, यानी होम को हम प्रोटेक्शन के लिए भी, वर्ड को प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं और लव के लिए भी यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यानी एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये इसके कंटेक्स्टुअल मीनिंग है। और डिक्शनरी मीनिंग क्या है, ऐसी जगह जहाँ पे हम रहते हैं। इसके अलावा अगर हम एक दूसरी एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल मैं दूँ, तो एक और एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि हमारे पास जो होता है वर्ड पेन, तो जो वर्ड पेन है उसके जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो डेनोटेशन है, वो है एक ऐसी चीज़, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा टूल जिससे हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो वो एक पेन है, जिसके डिक्शनरी मीनिंग है। और इसके कंटेक्चुअल मीनिंग भी होते हैं। कंटेक्चुअल मीनिंग इसका मतलब ये होता है कि ऐसे मीनिंग जो इसकी पावर को शो करते हैं, अथॉरिटी को शो करते हैं। जैसे अगर जजेज हजरात जो हैं वो जब अपना कोई डिसीजन लिखते हैं तो वो जो पेन है उसमें एक अथॉरिटी होती है, वो एक पावर होती है। तो समटाइम लोग जो हैं वो कहते भी होते हैं कि उसके पास तो पेन है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो पेन जो है वो कोई हथियार तो नहीं है, वो कोई पिस्टल तो नहीं है कि वो बंदा फायर मार देगा, लेकिन वो जो हम उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं पेन के साथ, तो वो पेन के साथ हम एक पावर को, एक अथॉरिटी को कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये कंटेक्चुअल मीनिंग है। इसी की एक और एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो हमारे पास एक वर्ड यूज़ करते हैं हम चेयर। चेयर एक ऐसी कुर्सी, नॉर्मली तौर पे कुर्सी या चेयर, ये हम ऐसी, इसका मतलब क्या होता है, चेयर डिक्शनरी मीनिंग ये होते हैं एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बैठा जाता है, यानी बैठने के लिए यूज़ होने वाली एक स्पेसिफिक चीज़ है, उसको हम डिक्शनरी मीनिंग है। लेकिन इसके अगर कंटेक्चुअल मीनिंग में इसको यूज़ किया जाए तो हम कहते होते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का दस्तोगिरेबां हो रहे हैं, किसके लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो उस कुर्सी से मुराद हमारी क्या होती है, अपनी पावर बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी अथॉरिटी बचाने के लिए। तो ये जो मीनिंग्स हैं ये कुर्सी के कनोटेशन हैं, ये कॉन्टेक्स्टुअल मीनिंग है। तो ये तो था आज का मुख्तसर सा लेक्चर, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोज़ इससे रिलेटेड मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी ओपिनियन, अपनी राय लाजमी दें।
ताकि वीडियोस जो हैं उसको बेहतर किया जा सके, या आप ऐसा टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे फर्दर जो है वो वीडियो बनाई जाए, वो आपकी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।